विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार पर सबसे पहले दीपावली पर्व मनाया गया। इसमें भगवान महाकाल को उपटन पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा लगाया गया। इसी के साथ में कपूर आरती करके भस्म आरती की गई। भगवान महाकालेश्वर हमारे अवंतिका के एक राजा हैं और राजा होने के लिए उनकी कई परंपराएं पूरे वर्ष भर, इसी के अंतर्गत भगवान का आज रूप चौदस पर्व, दीपावली पर्व और रूप चौदस पर्व दोनों ही सम्मिलित मनाए गए हैं। भगवान महाकाल की जिस प्रकार नित्य भस्म आरती होती है, वो नित्य भस्म आरती तो होती ही है, लेकिन आज पर्व था तो पर्व में भगवान का विशेष पंचामृत पूजन, सभी फलों के रसों से स्नान और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रूप चौदस के दिन जिस प्रकार से बच्चों के रूप निकाले जाते हैं, उनको घर में माताएं उपटन वगैरह लगाती, ऐसे ही भगवान महाकाल को भी उपटन लगाया गया है। भगवान महाकाल को उपटन से भगवान को मला गया है, उनको स्नान कराए गए हैं, उसमें सभी सुगंधित द्रव्य होते हैं और ये वर्ष में एक बार ही रूप चौदस पर्व पर ही ये पर्व और ये परंपरा मनाई जाती है। पर जो महिलाएं होती है जिन्होंने ये आज भगवान का रूप निखारा है, वो पुजारी परिवार से होती हैं और पुजारी ही परिवार की ये उपटन लगाती है। भगवान महाकाल हम पुजारी परिवारों के आराध्य भी हैं, हमारे बुजुर्ग के रूप हमारे वो बड़े भी हैं, हमारे इष्ट भी हैं, मित्र भी हैं और बाल स्वरूप भी उनको मान के आज उपटन लगाया और आरती कर्पूर आरती महिलाओं के द्वारा की गई, ये एक परंपरा। साथ ही अभी भगवान की श्रृंगार होगा भव्य और श्रृंगार के साथ ही भगवान का जो भोग है जिसको अन्नकूट कहा जाता है, पहले सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में ही बनाया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में ही प्रथम अन्नकूट भोग होता है ये रूप चौदस, उसके बाद सारे नगर में अन्नकूट पर्व मनाए जाते हैं। आज अन्नकूट पर्व भी मनाया गया, कई प्रकार के व्यंजन का भोग भगवान को लगाया गया है और भगवान की जो भस्म पूजन और आरती है वो आज दिव्य आरती की गई, जो मंगला आरती के रूप में भी कहलाती है और भस्म आरती के रूप में भी इसको माना जाता है, इसलिए भव्य आरती संपन्न है। दीपावली के पर्व की शुरुआत आकर के सबसे पहले बाबा के दर्शन करते हैं, जो थोड़ा बहुत घरों में प्रसाद वगैरह बनाते हैं वो थोड़ा थोड़ा अंदर पहुँचा देते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं और पंचामृत वगैरह जो भी सामग्री रहती है वो सब हम लोग बाबा को अर्पण करते हैं और इस प्रकार हर्ष उल्लास के साथ हम बाबा सबसे पहले सर्वप्रथम शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन से करते हैं, फिर हमारी दीपावली की शुरुआत होती है। कल को उपटन लगा के मन को बहुत सुकून मिला है, स्पर्श करने का ही बहुत बड़ा सौभाग्य है, बाबा के यहाँ चौकट पे आना ही बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए और यह अवसर हमको हर तीसरे साल मिलता है भस्म आरती का रहता है तो, और सौभाग्यवती महिलाएं उपटन लगाती है, यह उपटन केसर से, चंदन से, हल्दी से, सुगंधित पदार्थों से तैयार किया जाता है और बाबा को लगाया जाता है।